मॉडर्न फेरी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट। कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा मुझे। और आज की जो वीडियो है वो कुछ स्पेशली बोल सकते हैं, क्योंकि जो किन्नौर का फेमस एप्पल है वो उसी के ऊपर ही आज का वीडियो होने वाला है। और आप लोगों ने किन्नौर के एप्पल तो ज़रूर खाए होंगे, कभी सोचा है कि वो पेड़ में कैसे दिखते होंगे, उनकी पैकिंग कैसी होती होगी और उसकी तुड़ान कैसी की जाती है। तो ये सब कुछ आज मैं अपने वीडियो में बताने वाली हूँ और एप्पल की वैरायटीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। तो करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए किसान भाइयों, आज हम लोग तंगलिंग जो मेरा सबसे लो हाइट बगीचा है, जो 5,500 की हाइट है, वहाँ पे आज हम सेब तोड़ान शुरू कर रहे हैं। जो कि हमारा ये बगीचा मेरा सारा रूस्टॉक पे है और ये 111 पे लगाया हुआ है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बांस सपोर्ट क्यों दिया है 111 को, इसलिए दिया कि यहाँ पे जो सॉयल है सारा रेतीला है, इस पे जब फल से लत जाता है पौधा तो सीधा ही झुक जाता है और गिर जाता है, डैमेज होता है, इसलिए मैंने बांस सपोर्ट तब दिया है। और ये सबसे जो नीचे जो है इसमें हम डबल फसल लेते हैं। डबल फसल मीन्स ये नीचे राजमा, सात राजमा का भी फ़ायदा लेते हैं हम और सेब का भी। इसमें जो सेब की वैरायटी है इस बगीचे में, ये सुपर चीप है और गाला के तीन किस्म है इसमें पोलिनेटर डाले हुए। ये क्या कहते हैं अपना डार्क बैरिंग गाला और रेडलम गाला और गेल गाला। ये गाला का वैरायटी जो है डार्क बैरिंग गाला है, ये जो बीमार आदमी भी इन सेबों को खा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये शुगर फ्री वैरायटियां हैं सारी। गाला का दूसरा वैरायटी है ये रेडलम गाला है, ये भी सेम है, दिखता एक जैसा है लेकिन इनका साइज कलर अलग अलग है। ये वैरायटी गेल गाला है, ये मेरे इस बगीचे में ये तीसरी वैरायटी है गाला में, ये है गेल गाला, ये भी सेम वैसे ही है। भाइयों, ये जो वैरायटी है ये कोफ्यूजी है, ये अक्टूबर में मतलब पूरा अक्टूबर में तैयार हो जाता है ये। अच्छा मामा जी, मेरा आपसे एक बागवानों की तरफ से एक प्रश्न था कि ये जो आपने रूट स्टॉक पे जो काम किया है, चाहे MM9 हो चाहे MM6 हो, तो ये किस हाइट तक हम लोग इस MM पे काम कर सकते हैं जिला किन्नौर को देखते हुए? हाँ, मेरे समझ से जो मैंने जो इस पे प्रैक्टिकली काम किया है, मेरे समझ से ये है कि भी कम से कम 5,000 तक ही करें किन्नौर के बागवान, 5,000 के हाइट तक जो है 111 पर करें, 9 पे भी ना करें और 6 पे भी ना करें। अच्छा जी, वो किस लिए ना करें कि भाई यहाँ पे जो है सॉयल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो 111 को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होता है, और यहाँ पे ढलानदार खेत ज़मीनें ज़्यादा है, हो नहीं पाएगा। और उसके बाद जो है इसको हम जो है और ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आप तो वो तो 10,000 तक भी सीलिंग पे ले जा सकते हैं, सीलिंग पे सुपर वैरायटियाँ जितने हैं। मतलब इसमें भी एक ये है कि जैसा सुपर चीप है, जैसा रेड कैन है, किंग रॉड है, ये हाइट के लिए स्पेशल बने हुए। अच्छा जी, हाँ। तो आप ये चाहते हैं कि जो 5,000 से ऊपर का जो हाइट 10,000 के बीच के लोग हैं, हाँ, वो सीलिंग पे काम करें?
हाँ, सीलिंग पे काम करें। अच्छा, ये जो आपने बांस के डंडे लगाए, ये अब ये हाइट हमारा क्या होगा जी? ये हाइट हमारा इस टाइम ये 5000 के आसपास है। अच्छा जी, हाँ। तो ये जो आपने जो बगीचा जो हमारा इस 5000 के हाइट पे, तो इस पे आपने MM 111 पे काम ज्यादा किया कि 9 पे कि 6 पे जी? 111 पे ज्यादा किया है। अच्छा जी, ये 111 पे किया, मेरा शुरू से ये था कि भाई 111 पे ही करूंगा मैं काम। ये थोड़ा सा आप बताएंगे कि MM 9 और MM 111 में थोड़ा अंतर क्या है जी, जो आपने देखा? MM 9 में ऐसा है की इसके शाखाएं एकदम से पता लग जाता है की ये झुकना शुरू कर देता है। अच्छा, रूट लगते ही जी जी। और 111 का जो है, जैसा हमारा यहाँ के जैसे ट्रेडिशनल रॉयल लग रहे हैं, ये रेड रिचर्ड वगैरह हैं, इसी तरह जो है ये ऊपर को जाता है, लेकिन इसको भी एंगल तो देना ही पड़ता है तभी फ्रूट आएगा इसमें, बगैर एंगल दिए फ्रूट नहीं आएगा। अच्छा जी, हाँ। तो कम देगा पैदावार ये। आज का जो चल रहा है जी, आज का जो बागवान जो मार्केट में सेब बेच रहे हैं, तो जो 5000 से 10000 के जो हाइट में जो रहने वाले जो बागवान हैं, जो सीडलिंग पे अगर आपसे ये अर्ली वैरायटी का अगर पौधा लगाना चाहें, तो कौन से क्या वैरायटी को आप प्रेफर करेंगे कि जो आप बागवान लगाएंगे? आपको बता दिया है कि सुपर चीप और ये जो USA का सुपर चीप है, और ये क्या कहते हैं किंग रॉड और रेड कैन इटालियन, ये तीन। अगर गाला पे अगर हम काम करना चाहे इसी हाइट पे? गाला पे काम करना चाहे तो आप थोड़ा ऐसा कि गाला में जो है मतलब साइज़ नहीं आता है। अच्छा जी, साइज़ में प्रॉब्लम होता है गाला में, लेकिन पास गाला तब यूज़ करते हैं हम, ये सेल्फ पॉलिनेट है। गाला के 4-5 वैरायटियाँ आ चुका है हमारे हिमाचल में, और सबसे बेस्ट तो मैं यही चाहता हूँ कि भी ग्रेनी स्मिथ पे काम करें, क्योंकि हमारे को ऑफ सीजन ही 3 गाड़ी का डिमांड आया था 1500 बॉक्स का, जबकि यहाँ पे अभी पिंगबर्ड भी नहीं आया था। अच्छा, उसी टाइम डिमांड आया था कि हमारे को 15 बॉक्स ग्रेनी स्मिथ का चाहिए, तो हमने जवाब दिया कि अभी तो हमारे पास 10-12 बॉक्स ही तैयार होता है ग्रेनी स्मिथ का, तो आने वाले समय में हम पूरा करेंगे इस काम को जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ये जो सफ़र है स्टेम, ये सुपर चीप है, लेकिन इसका जो रूट स्टॉक है वो बट 18 पर है। मैंने ये भी एक ट्रायल के लिए लगाया है यहाँ पे कि वो बट 18 पर कितना बड़ा हो जाता है, कैसा होता है, तो आप लोगों के सामने है ये सुपर चीप। ये M9 पर किंग रोड लगाया है हमने, इस बार फ्रूट आया है, बहुत खूबसूरत है किंग रोड का भी। ये अंगूर है एक किशमिश जिसको बोलते हैं थॉमसन, ये हमने लाया था नासिक से 10 पौधे, और 10 में से 9 पौधे कामयाब हो गए, अब फ्रूट लगना शुरू हो गया। किसान भाइयों, ये देखो कितना बड़ा गुच्छा है इसका अंगूर का, और बहुत अच्छा फ्रूट लगा है इसमें। किसान भाइयों, ये वाला जो ब्लॉक है मेरा, ये रेड कैन वैरायटी है, ये MM 29 पे है ये, और इसके साथ जो पॉलिनेटर लगा है ये डार्क बेरिंग गाला है, और इसमें देखो ये फ्रूट देखो, साइज़ देखो, कलर देखो, और रेस्टिंग बिल्कुल नहीं, और बहुत सुंदर फ्रूट लग रहा है। रेड कान और सुपर चीप दोनों बराबर बराबर हैं, चाहे आप इसको सील्डिंग पे 9000 के हाइट तक भी ले जाओ ये चल पड़ेगा। रूट स्टॉक तो 5000 तक मैंने पिछले कल बताया था कि भाई रूट स्टॉक तो 5000 के हाइट या ज़्यादा से ज़्यादा 6000 के हाइट तक काम करें, उससे ऊपर ना करें, बाकी सारा जो है ये सीलिंग पे ही करें। और सीलिंग पे भी मैं, ये मेरा दूसरा ब्लॉक है, मैं आ गए हैं इस टाइम हम लोग, ये जो है MM 111 पर है और सुपर चीप है ये, और ये इसमें जो सुपर MM 111 की हाइट देखो पेड़ों का, क्योंकि कई फार्मर बोलते हैं कि जी एक पेटी निकलता है, दो पेटी निकलता है, लेकिन आज आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि भाई 111 पर एग्जैक्ट कितना हाइट है।
किसान भाइयों, आज हम तीसरे ब्लॉक पे आए हैं। यहाँ की हाइट है 7000 और ये जो वैरायटी सफ़र का है ये सुपर चीपी है। ये सीलिंग पे लाया, यानी कि पालू के ऊपर लाया, प्योर पालू जो किन्नौर में पालू का बीज निकालते हैं हम लोग, उस पालू के बीज को बीज करके उसके पौधे तैयार करके उसके ऊपर ग्राफ्टिंग किया है इसको। और ये जो है इसकी जो क्वालिटी है, देखो रूट स्टॉक और इसमें कोई अलग नहीं है, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे इस हाइट पे भी रूट स्टॉक है 111 पे भी है, 6 पे भी है और 9 पे भी है। यहाँ पे ये है रूट स्टॉक पे 111 के ऊपर सुपर चीप इसी हाइट पे। ये ग्रैनी स्मिथ है, ये भी सीडिंग पे मैंने तैयार किया है और ये देखो कितना अच्छा फ्रूट लगा है और इसकी हाइट देखो कितना जा रहा है और साइज़ देखो। अभी तो इसका टाइम है, अभी तो 15-20 दिन और है इसको तोड़ने के लिए, लेकिन देखो साइज़ कितना अच्छा है। मतलब जो बागवान भाई रूटस्टॉक पे काम कर नहीं सकता है वो सीडिंग पे भी इन सफरों को, जितने भी मेरे पास 6-7-8 वैरायटी है, मैंने सारा प्रैक्टिकली करके देख लिया है कि भी कोई इसमें मुश्किल नहीं है काम करना। ज़्यादातर जिन बागवान भाइयों को रूटस्टॉक पे प्रॉब्लम आ रही है करने के लिए, तो सीडिंग पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो इन पौधों का डिस्टेंस देखो सीडिंग पे कितना है भाई, 7-8-9 के डिस्टेंस पे रखा है ये। और देखो फ्रूट कितना अच्छा है, हमें फल कम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन फ्रूट अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, पेड़ भी स्वस्थ होना चाहिए, फ्रूट भी अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा हो उसका। और मेरा यही गुजारिश है बागवान भाइयों से कि भाई जो रूट स्टॉक पे नहीं कर सकते हैं वो सीडलिंग पे तो करें, लेकिन जो अब हमारा जो ट्रेडिशनल रॉयल रिचर्ड रेड वगैरह हैं ये, अब वो उसका ज़माना अब धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। और इन चीज़ों को भी ऑर्गेनिक पे लाने का ज़रूर कोशिश करें। मेरा एक आखिरी ये सवाल है कि भाई जैसा मैं खुद ऑर्गेनिक पे कर रहा हूँ, कम से कम केमिकल यूज़ कर रहा हूँ मैं, कम से कम जब बिल्कुल बेबस हो जाता है कोई बीमारी अटैक करता है दूसरे बगीचे से, दूसरों के बगीचों से, तो मजबूर होकर मेरे को करना पड़ता है, अन्यथा मैं जो है ऑर्गेनिक ही करना चाहता हूँ। गाइज अभी हो रही है एप्पल की ग्रेडिंग एंड पैकिंग, तो हम पूछते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पैकिंग करते हैं, किस तरीके से ग्रेडिंग होती है, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी आप बताइए कि ग्रेडिंग एंड पैकिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़। नाम है शेर सिंह। अच्छा तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? करसोग। अच्छा तो ये जो ग्रेडिंग वाला काम है करते हुए कितना टाइम हो रहा है आपको? 16 साल। अच्छा 16 साल हो रहे हैं। ओके तो आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से ग्रेडिंग करते हैं एप्पल का, किस तरीके से पता चलता है कि कौन सा बेटर एप्पल है, कौन सा ख़राब है, किसकी साइज़ अच्छी है, किस तरीके से? ये तो बढ़िया एप्पल तो ये वाला है, ख़राब एप्पल जो है वो बी ग्रेड वाला है। अच्छा ये बी ग्रेड है। तो कैसे पता चला आपको कि ये बी ग्रेड है? ये जो इसमें बीमारी लगा हुआ। अच्छा सितंबर ये बी ग्रेड है, मेरे पास तो ये बिल्कुल साफ है। अच्छा ये सिलेक्टेड माल है, बिल्कुल अच्छा है, ये देखो लार्ज, ये लार्ज साइज। अच्छा लार्ज साइज, लार्ज। फिर ये निकालते हैं फिर मीडियम, मीडियम साइज, मीडियम। अच्छा ये हो गया फिर स्मॉल। अच्छा ये है स्मॉल, हाँ जी। और ये हो गया फिर एक्स्ट्रा स्मॉल। अच्छा ये है एक्स्ट्रा स्मॉल, ये है 200। अच्छा 200 तो ये है वो 6 लेयर पीतू। अच्छा 6 लेयर पीतू। ओके ये 7 लेयर। अच्छा तो इससे भी मतलब नीचे होगा? इससे नीचे नहीं होगा, ये लास्ट 7 लेयर। ओके ठीक है।
तो मतलब एक पेटी भरने के लिए कितना टाइम लगता है वैसे? एक पेटी के लिए गिफ्ट पैक के लिए तो 3-4 मिनट लग जाए, 4 मिनट। अच्छा, अगर बड़ा पेटी भरना तो लग जाता है 7-8 मिनट। थैंक यू। रिचर्ड का पेड़ को टॉप ग्राफ्ट किया हुआ है, इसमें सारा जो मैंने ब्रांचेस किया, टॉप वर्किंग किया है इसमें, ये सारा रेड कैन है। ये है वो USA गोल्डन, जो पोलिनेटर, सेल्फ पोलिनेटर है खुद ये, जैसा गाला है, डार्क बेरिंग गाला है, रैंडम गाला है, ग्रैनी स्मिथ है, उसी प्रकार ये भी जो है सेल्फ पोलिनेटर है। और इसके ये पोलिनेटर बहुत ज़बरदस्त है, ये भी हर साल लगता है, इसमें कोई थिनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक साल ज़्यादा लगता है, एक साल कम लगता है, लगता ज़रूर है इसमें। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। और इस ब्लॉग में आप लोगों ने एप्पल के बारे में जाना, एप्पल की वैरायटीज के बारे में जाना, और मेरे पापा ने काफी एक्सप्लेन करके डिटेल में आप लोगों को एक एक चीज बताई है एप्पल की वैरायटी के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो गाइस प्लीज, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा कि ये ब्लॉग कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।